गाइस वेलकम टू माय चैनल रेखा हाउस किचन। आज मैं बनाऊंगी नारियल की चटनी जो इडली डोसा और भी बहुत सारी चीजों के साथ खाई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसकी इजी सी रेसिपी। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगी, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, चार साबुत लाल मिर्च छोटी छोटी, एक टेबल स्पून राई, डेढ़ चम्मच चना दाल, दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च, एक पिंच हींग, एक छोटी कटोरी गोला या फिर 100 ग्राम नमक स्वाद अनुसार, एक से डेढ़ चम्मच आमचूर पाउडर, 70 ग्राम दही, कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। चना दाल को हम लोग आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी चना दाल को पहले से ही भिगो कर रखा है ताकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। तो मैंने यहाँ पर अपनी चना दाल को भिगो लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गई है और ये टूट भी रही है अच्छे से। नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे और इसमें एक टीस्पून ऑयल डालेंगे। इसके बाद थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद मैं इसमें एक पिंच हींग डालूंगी। इसके बाद मैं एक छोटी चम्मच राई डालूंगी। राई हमारी चटकने लगी है हल्की हल्की सी। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें चना दाल डालूंगी जो हमने पानी में भिगो कर तैयार कर ली थी। इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। चना दाल भी हमारी अच्छे से भून गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। यहाँ पर मैंने जो भी अभी भुना हुआ था वो सारा मैंने इसमें जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें ये कद्दूकस किया हुआ गरी का गोला डालूंगी, एक कटोरी मतलब 100 ग्राम अदरक के हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे। इस तरीके से अदरक के हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च, आमचूर पाउडर एक से डेढ़ चम्मच, अब इन सभी चीजों को हम लोग ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ा सा पानी डाल दी थी यहाँ पे मैं, पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। चटनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए ग्राइंड हो चुकी है चटनी। अब इसको मैं एक कटोरी में निकालूंगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में अपने मसाले को निकाल लिया है जो मैंने अभी मिक्सर में ग्राइंड किया था। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल लूंगी और जो मेरा दही था वो लूंगी। इसके बाद मैं इस मसाले को मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी पूरे को थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। और इसको
मिक्स करेंगे। पूरे दही को हमें ऐड कर देना है। इसको आराम से चलाते हुए हम लोग मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार। मुझे इसमें थोड़ा सा दही कम लग रहा है तो मैं इसमें दही और ऐड करूंगी। यहाँ पर जो मैंने चटनी ली थी इसमें मुझे थोड़ा सा दही कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा ही और ऐड करूंगी। ये देखिए अब ये थोड़ा सा व्हाइट कलर दे रही है। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है गरी की चटनी। ये देखिए कितनी टेस्टी बनकर गरी की चटनी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।